Let's solve sixth question. And that says, question to already try kar rakha hoga. Maan liya aise koi quadrilateral de rakha hai. ठीक है, से ए बी सी डी और जिसके साइड्स आर साइड इन ऑर्डर ए बी सी डी है. ठीक है, तो क्या किया हमने, ए सी को ज्वाइन कर दिया. फिर क्या किया हम ए सी स्क्वायर को. ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको मान लिया अल्फा है, ये मान लिया बीटा है. तो प्रूव क्या करना है कि जब मैक्सिमम एरिया आएगा तो ये चारों एक सर्कल पे लाई करेगा. ठीक है, तो इफ आई एम एबल टू शो कि अल्फा प्लस बीटा इज पाई तो फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाए. तो अल्टीमेटली मेरा एम क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा को पाई दिखाना. तो अब हमने क्या किया, ए सी जो है वो इस ट्राइंगल में भी आ रहा है एंड इसमें भी आ रहा है. तो हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल में कोसाइन रूल लगाया. तो इस ट्राइंगल में कोसाइन रूल लगाने से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस अल्फा. और दूसरे वाले में लगाने से आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू सी डी कॉस बीटा. ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये आ गया. दूसरा एरिया जो होगा, ठीक है, अच्छा अगर अल्फा फिक्स है तो बीटा अपने आप फिक्स हो जाएगा. ठीक है, इस रिलेशन को यूज करके अगर अल्फा फिक्स है तो बीटा फिक्स है, उनको हम इंडिपेंडेंटली वेरी नहीं करा सकते. तो हम बीटा इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ अल्फा. तो एरिया को हम ऐसे बोल सकते हैं, एरिया एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा, विच इज इस ट्राइंगल का एरिया हाफ ए बी साइन सी से हाफ ए बी साइन अल्फा. ठीक है, प्लस हाफ सी डी साइन बीटा, ये एरिया हो गया. ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि हम अल्फा बीटा यहां से उठा के इसमें रखें और एलिमिनेट करके बीटा प्योरली अल्फा के टर्म्स में एक फंक्शन आ जाएगा, उसको फिर डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम निकालें. दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे लिखा रहने दिया, एलिमिनेट नहीं किया क्योंकि दिख रहा है बहुत कम्बरसम होगा. और हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया अल्फा के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो ए बी सी डी तो कॉन्स्टेंट है तो ये सब तो जीरो हो जाएगा. कॉस अल्फा का डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा तो टू ए बी साइन अल्फा. ये तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव हो गया. राइट हैंड साइड में फिर आ जाएगा टू सी डी साइन बीटा, बट बिकॉज अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया इसलिए डी बीटा अपॉन डी अल्फा, ये भी आ गया. ठीक है, अब एरिया का मैक्सिमम मिनिमा चाहिए तो हम ए डैश अल्फा निकालेंगे, मतलब इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाएगा हाफ ए बी कॉस अल्फा प्लस हाफ सी डी कॉस बीटा इंटू डी बीटा बाई डी अल्फा. ठीक है, अल्फा बीटा आपस में फंक्शन है. अब हमने क्या किया, ये वाला वैल्यू उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू यहां से सी डी अपॉन ए बी इंटू डी बीटा अपॉन डी अल्फा. ठीक है, अच्छा मैक्सिमम मिनिमा के लिए ए डैश अल्फा जीरो होना चाहिए तो यहां से क्या आ जाएगा, ए बी कॉस अल्फा शुड बी माइनस सी डी कॉस बीटा इंटू डी बीटा अपॉन डी अल्फा. ठीक है, या फिर यह आ गया कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस बीटा इंटू सी डी अपॉन ए बी डी बीटा अपॉन डी अल्फा. तो ये जो डी बीटा अपॉन सी डी अपॉन ए बी डी बीटा अपॉन डी अल्फा, इसका वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, विच इज साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा. तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा. सो विल गेट दिस, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा. तो यहां से अल्टीमेटली कितना आया, टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस टेन बीटा विच इज नथिंग बट टेन पाई माइनस बीटा. ठीक, और जैसे क्वाड्रिलेटरल का एंगल है उससे तुम देख सकते हो कि यही आंसर आएगा और बाकी पॉसिबिलिटीज नहीं. ठीक है,
तो यहां से आ गया कि क्वाड्रिलेटरल विल बी साइक्लिंग. ठीक है. अच्छा, इससे एरिया मैक्सिमम ही आएगा, दैट यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ. ठीक है, मिनिमा भी आ सकता है, तो मैक्सिमा ही आएगा, दैट यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ. आई होप दिस इज क्लियर.